ऑन एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका गुजरात में और स्वागत है आपका साबरमती में। और आज मैं यहां पर आपको बहुत सारा काम दिखाने वाला हूं। जी हां, बहुत सारा से मेरा मतलब है इस तरफ ये जो देख रहे हो बुलेट ट्रेन का भी काम दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ ये जो साबरमती रेलवे स्टेशन है इसका भी काम दिखाने वाला हूं, क्योंकि इस जगह पर इंडियन रेलवे द्वारा बहुत सारा काम किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूंगा कि किस तरीके से बुलेट ट्रेन की परियोजना बनाई जा रही है, और तब तक दिखाता रहूंगा जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता। ये है साबरमती रेलवे स्टेशन, और इस जगह पर वैसे रेलवे स्टेशन पे आओगे तो आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि ये स्टेशन नहीं, ये एक छोटा सा हॉल्ट है, लेकिन अब इसको बहुत बड़ा बनाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर ये जो साबरमती का रेलवे स्टेशन है इसके रीडेवलपमेंट का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, और इस जगह पर बनाया जाएगा पूरी तरीके से, जैसे गांधीधाम का रेलवे स्टेशन आप देखते हैं ना पूरा कवर, वैसे ही इसको कवर किया जाएगा। और फिर यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये है साबरमती स्टेशन का ही हिस्सा बुलेट ट्रेन का, और यहाँ पर आप टिकट लेंगे और फिर टिकट लेने के बाद आप आएंगे इस फोटोवर ब्रिज से होते हुए, और इस जगह पर यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये जो स्टेशन बनाया जा रहा है जी बुलेट ट्रेन का, उस जगह पर आप जाकर ट्रेन को कनेक्ट कर सकते हैं। और साबरमती का ये आगे भी प्लेटफॉर्म है, इस जगह पर भी प्लेटफॉर्म है, तो इन सभी को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा, और इस जगह पर बहुत ही बड़ा फुटओवर ब्रिज भी बनाया जाना है, तो उसकी भी तैयारी अगर आप देखेंगे ना तो वो किया जा रहा है इस पॉइंट पे। इसी वजह से यहाँ पर पिलर का जो फाउंडेशन है वो तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, तो ये है पिलर का फाउंडेशन यहाँ पर बनाया जा रहा है। आगे देखेंगे तो पिलर का फाउंडेशन बन चुका है, पिलर बनाने की तैयारी की जा रही है, और इस जगह पर आपको इंडियन रेलवे की ये ट्रेन भी दिख जाएगी जी, क्योंकि इंडियन रेलवे की एग्जिस्टिंग लाइन है ये। और जरा दृश्य देखिए क्या नज़ारा है यहाँ पर, एक तरफ यहाँ पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन और दूसरी तरफ इस जगह पर ये इंडियन रेलवे की ट्रेन। और इतना ही नहीं, क्या पता हमें और आपको इसी ट्रैक के ऊपर वंदे भारत भी देखने को मिल जाए। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर वंदे भारत यहाँ से गुजरी तो मैं आपको दिखा भी दूंगा जी, क्योंकि इधर से वंदे भारत भी जाती है भाई। हाँ, कुछ दिन पहले इस रोड पे तो स्टार्ट हुई है। ये जो बिल्डिंग सामने आप देख रहे हैं जो कि साबरमती में बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए, तो इस जगह पर देखेंगे तो ग्लास और यहाँ पर एक्रेलिक का यूज़ किया जा रहा है। तो ब्लैक कलर का ये जो देख रहे हैं ये ग्लास है, ताकि नेचुरल लाइट ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग के अंदर जा सके, जैसे कि जो पावर कंजम्पशन है उनको कम किया जा सके, नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जा सके, और इसी की कोशिश इस जगह पर इंडियन रेलवे द्वारा की जा रही है। तो इस जगह पर आधे हिस्से पे देखोगे तो एक्रेलिक सीट जो कि येलो कलर का है वो लग भी चुका है, और ब्लैक कलर का जो ग्लास है उसको फिट कर दिया जा चुका है। ये जो टीम दिख रही है ये काम कर रही है इस जगह पर ग्लास के क्लीनिंग का, क्योंकि इंस्टॉलेशन का काम कम्प्लीट हो चुका है। बुलेट ट्रेन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो साथ ही साथ इसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा, और इस जगह पर पूरी तरीके से आपको ये कवर मिलेगा, ये जो रेलवे स्टेशन है साबरमती का, और साथ ही साथ और भी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो उसके ज़रिए आसानी के साथ इस जगह पर कनेक्ट कर सकें, तो ये जो फुटओवर ब्रिज का हिस्सा है इसको सभी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने का भी काम किया जाएगा जी। इसी वजह से देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है स्टील का, यानी कि फुटओवर ब्रिज का, ये बहुत ही बड़ा बनाया है इस पॉइंट पर जी। हाँ, वैसे अगर आप देखोगे ना तो जितने भी बुलेट ट्रेन के स्टेशन हैं, चाहे वो बड़ोदरा का देख लो या फिर ये साबरमती का देख लो, ये सभी के सभी जो इंडियन रेलवे का एग्जिस्टिंग स्टेशन है उसके पास ही बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है इंडियन रेलवे द्वारा, क्योंकि जो पैसेंजर है ना उनको ट्रांसपोर्ट के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर कनेक्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और एक और बात बता दूँ तो यहीं पर पास में ना साबरमती मेट्रो स्टेशन भी है जी अहमदाबाद का, तो उससे भी आप आ सकते हो और आसानी के साथ बुलेट ट्रेन पे कनेक्ट करके आगे की तरफ जा सकते हो। चलो आपको मैं इस तरफ लेकर चलता हूँ और फिर इस बिल्डिंग का और भी काम आपको दिखाता हूँ। जरा देखिए तो सही क्या नजारा है इस जगह पर।
ये देखिए पूरा यहाँ पर इंस्टॉल किया है इस स्ट्रक्चर को जी। ऐसे आपको अभी तक यही लग रहा था कि दीवार के ऊपर बस पेंट कर दिया है। और ये देखिए नजारा, ये कमाल का दृश्य है। आपको आज और कल यहां पर दोनों देखने को मिलेगा। और सच बताऊं पहली बार मुझे इस ट्रेन को देखने का मौका मिला है। वाओ। और कल्पना कीजिए क्या दृश्य होगा जब दोनों बुलेट ट्रेन और आपको ये वंदे भारत एक जगह पर एक ही साथ देखने को मिले, तो कमाल का नजारा होने वाला है। और इसे देखने के बाद तो आज मेरा दिन ही बन गया है सच में। वाओ, ये मैंने कल्पना भी नहीं किया था। और इस वंदे भारत पे ये जो अपने देश का फ्लैग बना है, ये देखकर दिल एकदम खुश हो जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, बुलेट ट्रेन के ऊपर जो भी स्टेशन बनाए जा रहे हैं ना, वो न्यू इंडिया के न्यू इंजीनियरिंग का आपको जीता जागता उदाहरण देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, इस पर आप खुद से भी वॉक करके जा सकते हैं और मशीन की मदद से भी आगे जा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ लगाई जा रही हैं, ठीक वैसा ही जैसा कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर मिलता है, जिसकी मदद से आप जल्दी से आगे की तरफ जा सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का ये पोर्शन दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियों को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है जी, जिनकी मदद से आपकी बहुत कम एनर्जी खर्च होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरफ आगे बनाया जाएगा बुलेट ट्रेन का स्टेशन। तो साबरमती रेलवे स्टेशन के जो दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है उसके ठीक बीच में, और उसी का काम इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो वो किया भी जा रहा है। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर तो इसी का है, क्योंकि वो जो पूरा फुट ओवर ब्रिज है वो इस तरफ आगे की तरफ आने वाला, और जितने भी प्लेटफॉर्म है साबरमती रेलवे स्टेशन के, उन सभी को उस फुट ओवर ब्रिज से कनेक्ट भी किया जाएगा और ऐसे ही आगे तक जाने वाला है। इस जगह पर स्टेशन का जो काम किया जाना है, उस जगह पर आपको मशीन भी दिख जाएगी जो कि इस वक्त पे काम कर रही है पाइलिंग का, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टीम भी दिख जाएगी जो कि इस फ्रेम को सेटअप करने का काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, और एक और यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म भी दिख जाएगा जो कि नया बनाया गया है इस साबरमती रेलवे स्टेशन पर जी, क्योंकि पैसेंजर का लोड बढ़ने वाला है यहाँ पर। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो पे ढेर सारे कमेंट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं एक बार फिर से आपको जल्दी किसी नई परियोजना पे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। वैसे आपको एक और चीज दिखाता हूं, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये यहां पर गुजरात की सरकार द्वारा साबरमती रेलवे स्टेशन पे चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए गए हैं जी, जिससे कि आप अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज कर सकते हो। और वैसे अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ये भाई अपनी गाड़ी को चार्ज भी कर रहा है। और अभी हम और आप और भी मिलने वाले हैं अहमदाबाद में, इसी तरीके से और भी परियोजनाओं को देखने भी वाले हैं जो चल रहे हैं इस वक्त अहमदाबाद में। चलिए मैं यहाँ से बस लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे जाना है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, वहाँ पर भी तो काम किया जा रहा है, वो भी तो आपको दिखाना है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।